बोलो जय माता दी। पीछे वालों पीछे वालों मैं चांटा मारो। ना तो जीजू बता रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं और ना भैया बता रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम बस जा रहे हैं। भाई मैंने घर से निकलने से पहले बोला था कि पोपट जरूर होएगा। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 6:21 हो रहे हैं और गाइस आज है संडे। आज भैया की ऑफिस की छुट्टी है और भैया ने ना हमें सबको बोला कि सब रेडी हो जाओ आज कहीं घूमने चल रहे हैं। लेकिन भैया ने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। भैया ने बोला तुम सबके लिए सरप्राइज है और मुझे लग रहा है कि पोपट ना हो जाए क्योंकि भैया जब भी सरप्राइज देते ना पोपट होता है। तो हम सब रेडी हो गए हैं। सबसे ज्यादा कौन रेडी हुआ है? कौन आईब्रो देख एक बार इसकी। तो सब रेडी है यहाँ पे। दोनों दीदी रेडी हैं, प्राची और जीजू भी हमारे साथ जा रहे हैं। मुझे तो कैसा लग रहा है भैया शादी में ले जा रहे हैं किसी की। और गाइस कल शिल्पा दीदी ने सरप्राइज दिया था तो आज काजल दीदी भी आ गई थी दिन में। तो हम सब घूमने जा रहे हैं और अभी ना हम भैया का वेट कर रहे हैं। भैया गए हैं दूसरे वाले घर पे। कुछ नोटिस करो शिल्पा दीदी सरप्राइज देती रहती है आती जाती रहती है। और गाइस अभी निकलते वक्त हमारा पोपट हो गया है। भैया के ना कार्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे वाले घर पे हम भैया का वेट कर रहे हैं। भैया के कार्ड वो जो था क्या था एटीएम कार्ड मम्मी ने वॉशिंग मशीन में धो दिए। निकलने से पहले ही पोपट हो गया लग रहा है। गाइस हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं और भैया दूसरे वाले घर पर है तो भैया को ना हम रास्ते में से ही पिक कर लेंगे। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं चले। ओ बेटे निकलने से पहले इतनी खुशी। चलो चलो लेट हो रहे हैं। तो गाइस हम घर से निकल रहे हैं। चलो 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 चलो। ए दीदी घर से निकल तो रहे हो घूमने के लिए लेकिन पोपट ना हो जाए। ये है तो होगा पोपट उसी को मत फैला पहले। नहीं वैसे काजल तू तला मत सुन तो लो ता करती रहती है। सुन तो लो काजल दीदी है ना आज हमारे साथ तो आज का खर्चा काजल दीदी करेंगी। यू कह रही मैं ना ग्रीन वाला सूट पहन रही थी। ओ भाई ओ ये वाले सूट तो ये लास्ट व्लॉग में भी पहन के आई थी ना। मोनू मामा बन रहा है क्या वाले चुन्नी के। चलो गाइस हम सब निकल रहे हैं। सोनू भैया वंश ओ भाई ठीक है भाई भाई निकलने से पहले फाइट मत करो। और ये इसने भी व्लॉग में पहना था हरी दूर में। भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे को जो कपड़े पसंद आते हैं ना मैं वही पहनती हूँ। चलो चलो अब लेट हो रहे हैं। सबसे पीछे इन्हें भेजेंगे सोनू वंश और संजू। और नहीं यार मैं नहीं बैठूंगी आगे मैं बैठूंगी भाई उल्टी हो जाएगी। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भैया को रास्ते में से पिक करेंगे दूसरे वाले घर पे क्योंकि भैया दूसरे वाले घर पर हैं और बड़ी मम्मी भी हमारे साथ जा रही है तो बड़ी मम्मी भी वहीं दूसरे वाले घर पर है। तो रास्ते में से पिक करेंगे फिर देखते हैं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। मेरे को तो अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि भैया हमें इस टाइम कहाँ लेकर जा रहे हैं और बाहर अंधेरा होने वाला है। हेलो ओ यार मेला हटा नहीं क्या? नहीं लग रहा है भाई यहाँ तो अभी तक मेला लग रहा है। गाइस ये देखो हमारे यहाँ पे नहीं अभी लग गए ये झूले में से लटक के झूल सकते हैं। वैसे क्या वैसे लटक के झूल सकते हैं। हाँ ये देखो गाइस हमारे यहाँ ना अभी तक झूला लग रहा है। वो देखो सामने बड़ा वाला झूला चल रहा है। माता दी सारे बोलो जय माता दी। हम कोई मंदिर जा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आई। पीछे वालो पीछे वालो तुम भी वालो चाटा मारो। पीछे वाले को बारिश निकाल के अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे वाले घर पर। हम बाहर खड़े हैं रोड पर तो अभी भैया का वेट कर रहे हैं। भैया अभी घर से ही नहीं निकले हैं। हम वैसे ही इतना लेट हो रहे हैं पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं इस टाइम। गाइस हमारी अद्दू को देखो सही जगह बैठी है और एकदम फिट आ रही है भाई। नकली टेडी बियर है नकली टेडी बियर। हाँ गुड्डा। शाम के 7 वाले हैं पता नहीं घर से कब निकलेंगे और कहाँ जा रहे हैं। गाइस फाइनली भैया आ गए हैं। तो गाइस भैया भी आ गए हैं और मम्मी भी आ गई हैं। मम्मी इधर टाइम कैसे लग गया तुम्हें आने में? भैया के कार्ड खो गए मुझसे रख के भूल गई। एटीएम कार्ड वगैरह सब भूल गई कार्ड मुझे ये नहीं पता कौन से कार्ड थे मैंने निकाले सब कहाँ रखे भूल गई। लेकिन अभी हम जा कर रहे हैं भैया ये तो बता दो हमें क्या सरप्राइज है। जब तुम पहुँच जाओगे तभी पता चलेगा। क्या जब पहुँचोगे तभी पता चलेगा। ओ भाई भैया ने सरप्राइज रखा है। हंसी आ रही है पता नहीं क्यों। हंसी क्यों आ रही है पता नहीं क्यों। जीजू आपको तो पता ही होगा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं।
मुझे तो जतिन भैया बता रहे हैं कहाँ जाना, रास्ता ही वही बता रहे हैं, इधर मुड़ो और उधर मुड़ो। आगे से लेफ्ट ले लेना, आगे से लेफ्ट ले लेना भैया कह रहे हैं। गाइस भैया तो हमें हाँ कहाँ जा रहे हैं हम घूमने ना तो जीजू बता रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं और ना भैया बता रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं उसकी भाषा में समझ। हाँ बताओ कहाँ जा रहे हैं हम। टाइटैनिक का जहाज देखने जा रहे हैं हम। यार ऑटो में बोला था जितिन भैया के चक्कर में हो गया। ओ यार आ गया टाइटैनिक का जहाज आ गया। तो गाइस हम गाड़ी से तो उतर गए हैं लेकिन अभी पता नहीं हम कहाँ पर आए हैं। मंदिर आए मंदिर मंदिर कहाँ पर आए हम किसी को आइडिया है। सो फाइनली गाइज हम अपनी पहली लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये है मंदिर, शेरावाली माता का मंदिर है। तो मंदिर में एंट्री लेने से पहले हम अपने जूते चप्पल उतार देते हैं यहाँ पर। चलो 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 उतारो सब। तो बाबू ने भी अपनी स्लीपर उतार दी है ये देखो, और यहाँ पे हमने अंकल को जमा करा दिए। तो चलो एक एक करके हाथ धो लो। जब हम किसी मंदिर आते हैं ना तो शूज स्लीपर उतारते हैं, तो सबसे पहले मंदिर में एंट्री करने से पहले हमें सबको हाथ धोने चाहिए। तो सबने हाथ धो लिए तो चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम खरीद रहे हैं पूजा का सामान। चलो चलो ये सारे तो यहीं खड़े हो गए भाई। झाड़ा लगा दो। झाड़ा मैंने झाड़ा लगाया ना फिर इसके यहीं भूत उतर जाएगा। अरे चलो चलो चलो। ओ भाई गाइस जब से घर से निकले हैं ना दीदी दोनों दीदी की फाइट हो रही है। दीदी की गाइस ये देखो यहाँ पे ना गणेश जी खड़े हैं राक्षस के ऊपर पैर रख के उसको मार रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। गाइस हम ना बहुत लेट आए हैं ना तो मंदिर बहुत खाली है बाहर से। तो अबे यार दीदी को हर जगह खाने खाने की लगी रहती है। मंदिर में भी खाने की लग रही है। कैंटीन दिख गई। अबे भाई साहब इन्हें कैंटीन दिख गई। चलो 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 गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर देखते हैं कैसा है। बाहर एंट्री गेट पे ये देखो कितना बड़ा शेर बना हुआ है। ओ भाई बाबू शेर। गाइस ये है यहाँ का मंदिर और सामने ना शेरावाली माता है। मंदिर तो बहुत प्यारा लग रहा है तो चलो जल्दी से दर्शन करते हैं। गाइस मम्मी और दीदी प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। वो देखो सामने शेरावाली माता है। तो यहाँ पे मम्मी चिरागी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये पंडित जी हैं, इन्होंने हमारा नारियल फोड़ा है और सबको पानी दे रहे हैं नारियल का। तो हम सब ने पूजा कर ली है और हमें प्रसाद भी मिल गया है। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और भैया ने ना हमें सेकंड लोकेशन बताई नहीं है कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब भैया से पूछते हैं हम कहाँ जाएंगे। भैया सेकंड लोकेशन क्या है? बताऊंगा नहीं, बस तुम चलो। बस हम चले। चलो तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पर। तो देखते हैं भैया कहाँ लेकर जाते हैं अब। सारा ट्रैफिक इसी का यही है जो खाली दिखे उसमें चल देंगे। कितना हो रहा है कॉफी है। गाइस जो भैया हमें रेस्टोरेंट लेके गए थे ना वो रेस्टोरेंट पूरा फुल हो रखा था क्योंकि आज संडे है ना तो बहुत भीड़ हो रही थी। तो हमने सोचा हम यहाँ पे रुक के गोलगप्पे खा लेते हैं। यहाँ तो भाई गोलगप्पे भी खत्म हो गए, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। अब हम सब बात कर रहे हैं कहाँ जाए कहाँ नहीं। बहुत तेज हो रही है, भूख लग रही है। जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? खिचड़ी खाने। खिचड़ी खाने घर पे? वो तो घर पे मटर पुलाव। मटर पुलाव वो तो घर पे बनाएंगे। तो वही होगा घर पे जा रहे हैं। यस। तो गाइस घूम फिर कर हम वापिस अपने घर पर आ गए हैं और आज पोपट करवा दिया भैया ने। कैसा लगा घूम के? घूम ही गए। हम कह रहे कम से कम पानी पिला देते। अरे भाई कोई से भी रेस्टोरेंट खाली नहीं थे। है मम्मी क्या? कोई से भी रेस्टोरेंट खाली नहीं था। कोई बात नहीं मेरे को गाड़ी में बैठना और घूमना मुझे अच्छा लगा। एक लॉन्ग ड्राइव हो गई हमारे लिए। हाँ भाई मैंने घर से निकलने से पहले बोला था कि पोपट जरूर होएगा और निकलने से पहले पोपट हो गया था हमारा। भैया का एटीएम कार्ड मम्मी ने खो दिया पता नहीं कहाँ पर। अब दूसरा पोपट हमारे साथ ये हुआ है हम बाहर डिनर नहीं कर पाए।
तो अब घर में ही खा लेंगे अब तो। तो देखते हैं भैया खाने में क्या लेकर आते हैं, अब वेट कर रहे हैं हम तो, भूख लग रही है बहुत तेज। सो फाइनली गाइस इतना वेट करने के बाद भैया बाहर से खाना लेकर आ गए और हम एक साथ बैठ गए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो भैया बाहर से खाना लेकर आए हैं, रुमाली रोटी और मलाई चाप। वंश कैसा लग रहा है? संजू चम्मचिया एकदम, क्या चम्मचिया, भूख लग रही है अभी। गाइस वैसे एक बात तो है, अपने घर में पूरी फैमिली के साथ एक साथ बैठ के खाना खाने में ना अलग ही मजा आता है। तो बाहर जाते ना तो पूरी फैमिली नहीं होती, बुआ और मम्मी घर पर ही थे, तो अब देखो बुआ भी वहाँ बैठी है पीछे। तो गाइस आज तो बहुत मजा आया, सबके साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे हम और सबने घर पे एक साथ डिनर करा। अब दोनों दीदी अपने घर वापस चली गई हैं और गाइस टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।